अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, नया स्टॉक आया है, आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन बस बता नहीं सका आप लोगों को। तो एक बार मैं आपको मॉडल से नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्राइसेस बता दूंगा, ठीक है। ये 640G2 आया हुआ है, i5 6th जनरेशन, इसमें G1 भी आया हुआ है, ठीक है। और ये 840G3 और G4 दोनों आए हुए हैं, i5 6th जनरेशन और i5 7th जनरेशन। ये 8470 आया हुआ है, i5 3rd जनरेशन, ठीक है। इसके अलावा ये डेल का i3 7th जनरेशन और जी बुक है i5 6th जनरेशन। और ये डेल XPS है i7 7th जनरेशन के साथ है, 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ है NVIDIA। इसके अलावा ये 7480 आया हुआ है, ठीक है। 6440 है i5 4th जनरेशन, 7480 जो है ये i7 7th जनरेशन के साथ है। ये 6540 भी आया हुआ है, इसमें 2GB का ग्राफिक कार्ड भी होता है, विदाउट ग्राफिक कार्ड भी होता है, ठीक है। उसके अलावा ये 5470 आई हुई है। उसके अलावा ये नीचे पड़े हुए सारा 5420 है, 6420 है, 5520 है, 6520 है, ठीक है, ये आई हुई है। उसके अलावा ये लिनोवो T460 आए हुए हैं, T460 है और X1 कार्बन भी है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हैं, लिनोवो के हैं और T460 और X1 कार्बन और 840G1 और G2 है, ठीक है। तो ये जो 640G2 है, इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 48,000। 840G3 i5 6th जनरेशन, इसकी प्राइस आपको 8GB 512GB SSD के साथ 58,000 की मिल जाएगी। ये 8460 है, ये 8470 है i5 3rd जनरेशन, ये आपको 27,000 रुपये की मिल जाएगी, 4GB RAM 320GB HDD के साथ। ये डेल XPS है, 4GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, GTX 1050 का, 8GB RAM 256GB SSD है, 1080 डिस्प्ले के साथ है। ये आपको मिल जाएगा 1,22,000 रुपये का। और ये जो जी बुक है i5 6th जनरेशन है, HQ प्रोसेसर के साथ है, 16GB RAM 512 SSD है और M1000M का 2GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ये आपको मिल जाएगा 95,000 का। इसके अलावा ये 7480 है, 7480 i7 7th जनरेशन, 8GB RAM 256GB SSD के साथ आपको मिल जाएगा 68,000 का। ये 6440 i5 4th जनरेशन, 33,000 रुपये का मिल जाएगा, 4GB 500GB के साथ। ये 6540 है, ये आपको मिल जाएगा 40,000 रुपये का, 4GB RAM 500GB HDD के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये 5470 है, ये आपको 50 का मिल जाएगा, 4GB RAM और 8GB RAM और 128 SSD के साथ। इसके अलावा ये 6420 है, 5420 है, ये जो आपको 5420 और 6420 है, ये आपको मिल जाएगा 22,500 रुपये में मिल जाएगा। और जो 6520 और 5520 है, वो आपको मिल जाएगा 24,500 रुपये में, 4GB RAM 320GB SPEC से सेकेंड जनरेशन में जो भी लैपटॉप है। इसके अलावा ये T460 पड़ा हुआ है, T460 आपको 8GB और 500GB के साथ आपको 47 का मिल जाएगा, डुअल बैटरी के साथ होता है, इसकी बैटरी टाइमिंग कम से कम 5 घंटे होती है। और X1 कार्बन जो इसमें है, वो i5 5th जनरेशन 52 का मिल जाएगा, उसकी बैटरी टाइमिंग 5 से 6 घंटे होगी, ठीक है। तो स्टॉक आया, ये भी आधा ख़त्म भी हो गया, टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉक भी आ रहा है कुछ दिन तक, तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी आप जो भी कहेंगे, जो YouTube से कस्टमर आएगा उसको खसूसी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें आप, अल्लाह हाफिज़।